नमः शिवाय। वार्षिक राशिफल के क्रम में तुला राशि का आज वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं। जातकों के लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आजीविका, नौकरी में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कितने सफल रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कैसा होगा, कब सफलता मिल सकती है, घर बार इत्यादि और समाज के दायरे को लेते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहले मोटे तौर पर वर्ष पर्यंत तुला राशि का राशिफल सारांश रूप में बताएंगे, फिर उसे विस्तार पूर्वक प्रत्येक विषय को लेकर आपके सामने पेश करेंगे। साथ ही उसमें वह समय जो आपके लिए विशेष उपलब्धियों वाला होगा, सटीक उपाय और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वह भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस वर्ष में मन मुताबिक उन्नति होती जाएगी, व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक उन्नति के लिए आप मनोयोग से लगे रहेंगे, घर परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। किसी कारणवश लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा का संकेत भी मिलता है। मित्रों की ओर से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, रुका हुआ धन भी मिल सकता है, भाई बहनों से पारस्परिक सुख सौहार्द बना रहेगा, जमीन मकान प्रॉपर्टी इत्यादि के खरीद बिक्री के लिए भी समय शुभ रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिल सकती है, विरोधी पक्ष दबा रहेगा, नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। तुला राशि के जातकों को वर्ष के प्रारंभ से ही अनुकूलता महसूस होने लगेगी, रुके हुए कामों में गति आएगी, अधिकारी वर्ग या प्रशासनिक विभाग की भी मदद मिलती रहेगी। सूर्य बुध शनि की युति पराक्रम भाव में बनी हुई है, जो कि अधिकारियों की नज़र से एक सम्मानजनक स्थिति निर्धारित करेगी और आपको अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय में हैं या व्यापार में हैं तो जो काम आप सोच रखे थे और विगत दिनों से नहीं हो पा रहे थे, उसमें भी सूर्य बुध और शनि की युति सहयोग करेगी। 30 जनवरी को लग्नेश और पंचमेश की युति, शुक्र और शनि की युति पराक्रम भाव में कायम हो रही है, जिससे आपके अधीनस्थ कर्मचारी या सहायक की सलाह या सहयोग लाभदायक रहेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और विभाग में हर तरफ समन्वय बनाकर अधिकारियों की नज़र में बने रहेंगे। साथ ही यदि आप व्यापार में हैं तो कुछ ऐसे माध्यम मिल सकते हैं, जैसे आपके सहकर्मी हुए या सेवक हुए, जिसमें आप व्यापार में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त कर सकते हैं और विकास तेजी से होगा। मगर मार्च के अंत में दो बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें राहु और केतु का राशि परिवर्तन, साथ ही कुछ दिनों के लिए बृहस्पति का धनु राशि में गोचर, जिसका प्रभाव आपकी बनी हुई योजनाओं की क्रियाशैली को प्रभावित करेगा और फिर से आपको अपने कार्य योजनाओं का गठन करना पड़ सकता है। कुछ कार्यों की गति भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि आपकी क्रियाशीलता नहीं प्रभावित होगी, मगर आपको दृढ़ विश्वास और सकारात्मक सोच रखते हुए नए तरीके ईजाद करने चाहिए, ताकि आपकी मान प्रतिष्ठा अधिकारियों की नज़र में बनी रहे और आप लाभान्वित भी होते रहें। इस दौरान आपको अपने व्यापार वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए अधिक जुगत लगानी पड़ेगी। 14 अप्रैल से सूर्य उच्च के हो जाएंगे, जिनकी सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर एक महीने के लिए बनी रहेगी। इस दौरान लोकप्रियता हासिल होगी, साझेदारी में विशिष्ट व्यक्तियों से निकटता बढ़ेगी, प्रशासनिक सहयोग कायम रहेगा और सरकारी नीतियों का लाभ लेने में सफल रहेंगे। विभागाध्यक्ष और न्यायपालिका से सहयोग मिल सकता है, व्यापारिक तौर पर दूर देशों से संपर्क हो सकता है और आप लाभान्वित होंगे। 4 जून से व्यापारी वर्ग अपनी आय बढ़ाने के लिए विदेश जाकर लाभ ले सकते हैं, या यूं कहें तो विदेश गमन लाभदायक रहेगा। साथ में और अधिक सटीक परिणाम मिल सकते हैं यदि आपकी दशा भी अनुकूल चल रही हो। यह ऐसा अवसर है जिसमें आपको कम मेहनत में ही अप्रत्याशित अधिक सफलता मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के साथ भी भाग्यवश ऐसे प्रसंग सामने आएंगे जिसमें वाद विवाद जैसा माहौल महसूस होगा और लगेगा कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मगर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वह मुद्दा आपके पक्ष में चला जाएगा और आप फायदे में रहेंगे। इस सभी परिस्थितियों में सूझबूझ और मेहनत की आपको कामयाब बना सकती है। 29 जून से ऐसा प्रसंग आ सकता है जिसमें आपको अपने कार्य योजनाओं में रद्दोबदल करना पड़े। हो सकता है कि सरकारी नीतियों का लाभ लेने के लिए भी आप अपने
बनी बनाई योजनाओं पर पुनर्विचार करें या व्यापारिक लाभ लेने के लिए आप अपने प्रतिष्ठान में ही कुछ बदलाव करें। पुनः सितंबर अक्टूबर के महीने आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले होंगे। नई ऊर्जा का संचार होगा। नई कार्यशैली को अपनाते हुए आप अपने क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं, जिसमें विदेश से भी लाभ की उम्मीद बनती है और साझेदारी और बंधु बांधवों से भी आय के कई स्रोत निर्मित होंगे। यह स्थिति अभूतपूर्व सफलता का संकेत करती है। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कब क्या समस्याएं हो सकती हैं? वर्ष के प्रारंभ से ही बृहस्पति की स्थिति वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में लंबे समय तक बनी रहेगी, जो कि रोग भाव के कारक हैं। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधान रहना चाहिए। शुगर और थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह सतर्कता वाला समय कहा जा सकता है। नियमित डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए। यदा कदा मानसिक चिंता बढ़ाने वाली होगी, जिससे रक्तचाप की समस्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मार्च तक केतु की स्थिति चतुर्थ भाव में होने से अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, हड्डी संबंधी दिक्कतें, ज्वाइंट पेन इत्यादि का संकेत भी मिलता है और मार्च के बाद केतु और शनि की युति स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशीलता को और बढ़ाने का काम करेगा, जिससे खासतौर से कंधों में जकड़न और हृदय संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। साथ ही साथ यात्रा के दौरान भी अत्यधिक सावधान रहें, वाहन चलाने में भी सावधानी रखें। यदि आप नियमित जीवन शैली, समय समय पर डॉक्टरी सलाह और संतुलित खान पान का पालन करते हैं तो वर्ष पर्यंत किसी गंभीर समस्याओं से ग्रसित नहीं होंगे, आरोग्यता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह वर्ष? तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के कारक ग्रह शनि हैं, जो कि पराक्रम भाव में वर्ष पर्यंत बने रहेंगे और आप सभी यह अच्छे से जानते हैं कि शनि देव को मेहनत प्रिय है। यदि आप परिश्रम से कोई भी काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए छात्रों को चाहिए कि परीक्षा में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम व सूझबूझ से पढ़ाई के प्रति लगे रहें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। वर्ष का पूर्वार्ध अप्रैल से अगस्त तक का समय प्रवेश परीक्षा, साक्षात्कार व प्रतियोगी परीक्षाओं इत्यादि में सफलता का संकेत देता है। हालांकि मई का महीना राहु और मंगल की युति वाला रहेगा, जिसमें अपने उत्साह और मेहनत पर भ्रम की स्थिति कायम रह सकती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। जबकि जून के महीने में आपके परिश्रम के मुताबिक सफलता मिलती जाएगी। फिर से यही स्थिति अक्टूबर में गठित होगी, जिसमें पढ़ाई के प्रति विदेश जाने की संभावना भी बनी रहेगी और आपके सपने साकार होंगे। तुला राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति से कभी भी जूझना नहीं पड़ेगा। इस वर्ष बृहस्पति पराक्रम भाव में और शत्रु भाव के कारक हैं, धन भाव में चलते रहेंगे, जिससे धन अभाव आपको कभी भी महसूस नहीं होगा। यहाँ तक कि जो पैसे विरोधियों के पास फंसे हुए हैं वह भी वापस मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आर्थिक स्थिति आपके मन मुताबिक बनी रहेगी। व्यावसायिक उत्थान के लिए यदि आप बैंक से फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 16 अप्रैल के बाद का समय निश्चित तौर पर सहयोग करने वाला होगा, जिसमें साझेदारी के कार्यों के लिए भी आपकी योजनाएं फलित होंगी। दूसरी अनुकूल परिस्थिति आपको अक्टूबर और नवंबर के महीने में मिलेगी, जिसमें आप अप्रत्याशित रूप से आर्थिक रूप से सुदृढ़ महसूस करेंगे। भावी संतान के इच्छुक जातकों के लिए अप्रैल का महीना सर्वोत्तम होगा। दूसरा अनुकूल समय सितंबर का महीना होगा, जिससे आपके उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, मगर कुछ मामलों में बढ़े हुए खर्चों से आप मानसिक दबाव में आ सकते हैं और संतान पक्ष से भी कुछ संकटों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के मध्य में परिवार से स्नेह और सहयोग में थोड़ी कमी महसूस होगी। मित्र, रिश्तेदारों और जानने वालों से भी रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। इसका सबसे अच्छा और सीधा सा सरल उपाय यही है कि आप वाद प्रतिवाद ना करें। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना पारिवारिक रिश्तों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहे, नौकरी व्यवसाय में सफलता हासिल हो, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहे और हर तरफ से उत्कृष्ट सफलता का आगाज हो।
हालांकि धैर्य और संयम के साथ परिश्रम करते रहना अंतिम और सीधा उपाय है। फिर भी आप अपनी थाली में से आधी रोटी गाय के लिए और आधी रोटी कुत्ते के लिए निकालें और अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करें। सूक्ष्म जीवों के लिए आटे में चीनी मिलाकर दीवार के किनारे या पेड़ के नीचे रोज डाल दिया करें। यदि संभव हो तो हर सोमवार को शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक करें। शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा रोज करें। साथ ही केले के पौधे में रोज जल डालें। आरोग्यता बनी रहेगी, हर कार्य आसानी से संपन्न होंगे और आप सफलता की उच्चतम शिखर तक पहुंचने में कामयाब होंगे।